हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है लोहड़ी त्यौहार पर 100 शब्दों का निबंध लेखन। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लोहड़ी पंजाबियों का प्रमुख त्यौहार है। यह हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है। यह त्यौहार फसल से संबंधित होता है। सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। लोहड़ी की शाम को आग जलाकर पूजा की जाती है। लोग अग्नि के चारों ओर चक्कर काटते हुए नाचते गाते हैं। बच्चे व बड़े सभी मिलकर भांगड़ा और गिद्दा का नाच करते हैं, ढोल बजाते हैं। आग में रेवड़ी, खीर, मूंगफली, गुड़ और मक्के के दानों की आहुति देते हैं। इस त्यौहार पर मुख्य रूप से सरसों का साग और मक्के दी रोटी बनाई जाती है। प्रसाद में रेवड़ी, पॉपकॉर्न, मूंगफली बांटते हैं। पंजाबी लोग लोहड़ी का त्यौहार आपस में मिलकर और खुशी से मनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।